Hello students, today we will study or solve the NCERT questions related to the electric field. NCERT के questions हम लोग लेकर के चलेंगे, so we will start with the examples. Examples से हम लोग start करेंगे from the NCERT book. So we will start with the example 1.8. यहाँ से हम लोग start करेंगे. So example number 1.8 is that an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to power 4 newton per coulomb. This is example number 1.8. कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो कितनी डिस्टेंस से फॉल हो रहा है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज 1.5 into 10 raised to power minus 2 meters से ये fall हो रहा है in the electric field of magnitude. Electric field का जो magnitude आपके पास दे रखा है, that is 2 into 10 raised to power 4 newton per coulomb. This is the electric field. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. उतने ही डिस्टेंस से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, पहले हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज द सिचुएशन. पहले सिचुएशन देखें, अगर हम लोग इस साइड को नेगेटिव चार्ज है आपके पास, इस साइड को ये पॉजिटिव चार्ज, ये आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वन. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट फॉल in the downward direction, means that the force on the electron that is opposite to the direction of the electric field. अब क्या बोला गया कि इस electric field की direction को reverse कर दिया हम लोगों ने, distance वही रखी कितनी, that is of 1.5 centimeter. The direction of the electric field that is reversed. Reversed means आपके पास यहाँ पर अब electric field आ गई ये direction. This one. एंड अ प्रोटोन दैट इज अलाउड टू फॉल. इस तरीके से हमारे पास कहता है का इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गिरा. हम लोगों से पूछा गया दैट कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. हर केस में हम लोगों ने निकालना है टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर द प्रोटोन, एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी. ये बाद की बात है, ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है इसको, तो ये बाद में करेंगे, पहले हम लोग टाइम निकालेंगे इन दोनों के लिए. तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, वो लगाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर देखें हम लोग, दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटोन दैट इज ई दैट इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम. ये आपके पास आता है. मास की बात करें, मास ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 किलोग्राम आता है. तो मैं 9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 किलोग्राम ले लेता हूँ. मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें अगर, तो आपके पास आता है 1.67 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 27 किलोग्राम. ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है. अब अगर देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें हम लोग, देन एफ दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. क्यू है ई के बराबर, ई इंटू ई के बराबर हमारे पास ये आ गया. अब फोर्स आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू ई इंटू ई. सो यहां से एक्सेलरेशन निकालिए हम लोगों ने ई इंटू ई अपॉन टाइम के बराबर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 के प्राप्त. अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है, तो हमें पता है दैट एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अब क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट यू इज इक्वल टू जीरो. सो एच हमारे पास बच गया हाफ ए टी स्क्वेयर के बराबर. तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं हम लोग.
सो टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू टू एच अपॉन ए, सो दैट इज इक्वल टू टू एच अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से रख लें ई अपॉन एम के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू टू एच एम अपॉन ई के बराबर टी स्क्वेयर. सो टी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच एम अपॉन ई इन टू ई के बराबर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू. हमने यही जनरल इक्वेशन जो है वो यूज करने हैं. अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पर दैट टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकालेंगे अब हम लोग इसको बारी बारी से बात करेंगे हम लोग दैट टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास रख देंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, बाकी चीजें तो वही है सारी. टी ई दैट इज इक्वल टू टू इंटू 1.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2, ये हाइट है हमारे पास. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय ई 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 इंटू ई आपके पास है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4. दिस वन इसका ले लिया मैंने स्क्वेयर. सो टी ई इज इक्वल टू यहाँ से 9 का स्क्वेयर रूट मैंने 3 बाहर निकाल दिया, 2 से तो बेटा ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 का स्क्वेयर रूट 3 मैंने बाहर निकाल दिया. इनसाइड मेरे पास यहाँ पर बच गया क्या, ये से डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया, मैंने लिख दिया 15/16. ठीक है, 9 का स्क्वेयर रूट 3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर बच गया हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 33 अपॉन 10 रेज टू पावर यहाँ से बच गया माइनस 15. सो टी ई दैट इज इक्वल टू 3, 16 का स्क्वेयर रूट मेरे पास आ गया 4. इनसाइड मेरे पास बच गया यहाँ पर दैट इज अंडर रूट 15 इंटू यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 10 रेस्ट पावर माइनस 18, क्योंकि ये 15 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये बच गया. सो टी ई दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू अंडर रूट 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. स्क्वेयर रूट निकाल लेते हैं 15 का. 15 का अगर हम लोग स्क्वेयर रूट निकालें यहाँ पर तो 15 ये मैंने यहाँ पर देख लेते हैं, 3 3 9, यहाँ पर बच गया 6, ये हो गया 6, यहाँ पर लग गया पॉइंट, ये 0 आपके पास. तो अगर देखें हम लोग 8 से चला जाएगा, ये देखते हैं हम लोग 8 8 64 ठीक है 48 और 6 4, दिस वन दिस इज 6 एंड दिस वन इज 5, ये 0 0 और यहाँ पर आ गया 76 और लगभग 6 से चला जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट ये. तो ये मेरे पास आ गया टी ई दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3.86 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. सो दिस टाइम टी ई दैट इज इक्वल टू 3 × 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सो 0. यहाँ से देखें अगर हम लोग 9 4 36 टू बच गए, 6 24 दो बच गए हमारे पास और ये 5 × 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, मेरे पास आ गए ये 3 5 15 6 18 1 19 27 और 1 28 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड. मीन्स मैं इसको अगर राउंड ऑफ करके लिख दूं सो दिस टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 2.9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 सेकेंड, ये हमारे पास इसके लिए आगे. ठीक है, अगर
हम लोग बात करें अब किसके लिए, प्रोटॉन के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। दिस इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको यहाँ जैसे लिख लेता हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड, ये निकाल लिया हम लोगों ने ये। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटोन। प्रोटोन की बात करते हैं तो प्रोटोन के लिए वैल्यू रख लेंगे हम लोग यहां पर, टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटोन भाई टीपी निकाल लिया इस इक्वेशन से, 2 × 1.5 × 10⁻²⁻², राइट। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाय, ई आपके पास 1.6 × 10⁻¹⁹ और ई आपके पास 2 × 10⁴। इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहां से देखते हैं हम लोग पी दैट इज इक्वल टू, मैं इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 15/16 × 1.67, यहाँ पर 10⁻²⁹ × 10⁻²⁹ अंडर द रूट। सो पी दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर रूट आ गया 4, 16 का 1/4। सो 15 × 1.67 की बात करें अगर हम लोग, तो ये आ जाता है हमारे पास 25.05। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, 25.05 × यहां से देखूं तो मेरे पास आ गया 10⁻⁴। ये ऊपर चला जाएगा, सो ऑलमोस्ट इसका स्क्वेयर रूट देखें हम लोग तो 5 के बराबर ही आएगा, तो मैंने ऑलमोस्ट 5 लिख लिया × 10⁻⁴। दिस वन इज 7, 14 का यहाँ से पावर 1/2 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगी। सो टी पी दैट इज इक्वल टू 4 × 4 = 8 × 10⁻⁷ सेकेंड। ऑलमोस्ट आपके पास हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा कम दिया था इसको, तो मैं इसको लिख दूँ 1.3 × 10⁻⁷ सेकेंड। ये हमारे पास किसके लिए आ गया, प्रोटॉन के लिए आ गया टाइम। तो अब यहां पर हमारे पास प्रोटॉन के लिए कितना आ गया, दैट इज 1.3 × 10⁻⁷ - 7 सेकेंड। तो ये टाइम आपके पास ज्यादा हो गया, ये टाइम क्या है, कम है। इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉल फास्टर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टर फॉल होगा, क्योंकि हमारे पास ये टाइम क्या हो गया आपके पास, दिस टाइम इज अ लेस देन दैट ऑफ आर दिस वन। अब दूसरा पूछा गया है एक्सलरेशन हमारे पास, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है, तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एक्सलरेशन। भाई एक्सलरेशन अंडर द फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है इसको। तो एक्सलरेशन की बात करें तो एक्सलरेशन यहां से आया है हमारे पास, ये देखो दिस वन इज एक्सलरेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहले निकाल देते हैं एक्सलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहां पर, ई है 1.6 × 10⁻⁴ - 19, 2 × 10⁴ / 4 / मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया 9 × 10⁻³ - 31, ये रख दिया, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे हम लोग 10⁻⁴ में ही निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास 3.2 / 9 × 10⁻³, यहाँ से आ गया आपके पास −15 × 10⁻³. सो एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज
यहाँ से 3.2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस्ट पावर यहाँ पर हो गया 16 हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई दैट इज इक्वल टू 32 अपॉन 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 15। डिवाइड करना कर सकते हैं आप लोग, ए ई दैट इज इक्वल टू 9 9 27 3.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस वन इज द एक्सलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना आ गया आपके पास है 10 रेस्ट पावर 15 आप लोगों के पास है। आप अगर मैं निकालूं एक्सलरेशन ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली निकालना है हम लोगों ने, तो 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय मास, मैं 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 27 ही दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत हेर फेर आएगा तो उसको चलने देते हैं यहाँ पर। तो एक्सलरेशन ऑफ प्रोटोन ये अप्रोक्सीमेट 1.6 है, 1.6 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 इंटू 10 रेस्ट पावर। यहाँ से देखें बेटा हमारे पास ये हो गया 31, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो द एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन दैट इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है हमारे पास। अगर हम लोग बात करें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है हम लोगों को अंडर फ्री फॉल, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विच इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू दिस एक्सलरेशन। इस एक्सलरेशन के कंपेरिजन में क्या आ गया, वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल एंड दिस कैन बी इग्नोर्ड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इग्नोर कर देंगे, हेंस दिस इज इग्नोर्ड, दिस इज इग्नोर्ड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये आपके पास जो है वो बहुत ही कम आ रहा है तो इसको हम लोग ने इस सिचुएशन में क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.9। इसको समझना है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने किस तरीके से निकालनी है उसको भी हम लोग ने देखना है। यहाँ पर 1.9 से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो इसमें बोला गया टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी शोन इन द फिगर। फिगर देख लेते हैं हम लोग कैसे है, क्या दिया गया है हमारे पास। तो सिचुएशन को थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे हम लोग कि हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या है और किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैंने बताया है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास देन इट इज ओनली यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन। हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर रखा गया है Q1 और यहां पर है Q2। यहां पर आ गया हमारे पास प्लस 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम और यहां पर आ गया कितना माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 8।
मिड पॉइंट में इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 0.1 मीटर। ये सिचुएशन दी, यहाँ पर आ गया पॉइंट ए, ये आ गया आपके पास 0.05 मीटर, ये भी हो गया 0.05 मीटर। एक पॉइंट आपके पास बी जो है वो यहाँ जैसे दिया गया है इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज आल्सो 0.05 मीटर। कोई पॉइंट सी जो है आपके पास यहां पर सिचुएशन देखते हैं हम लोग, ये आपके पास ऐसे दे रखा है, दिस इज पॉइंट सी, यहां पर दे रखा है दिस इज अगेन 0.1 मीटर, दिस इज आल्सो 0.1 मीटर, इट मींस दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी निकाली, ठीक है। सो Q1 दे रखा है प्लस 10^-8 कूलम, Q2 आपके पास दे रखा है -10^-8 कूलम, ये हमारे पास दिया गया है। इस डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर T हो गए 5×10^-2 के बराबर, ठीक है। सो यहां पर रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर निकाल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस साइड को फोर्स लगा तो E1 इस साइड को आ गई, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इसी साइड को फोर्स लगेगा तो E2 भी इसी डायरेक्शन में आ गई, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन होगी सेम, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1+E2। सो अगर देखें हम लोग एट पॉइंट ए, EA = E1+E2। अब क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहां से पॉइंट ए की डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बराबर है, इसका मतलब E1 = E2 दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं EA = E1+E1। सो EA = 2E1 के बराबर हमारे पास, ठीक है। सो EA = 2×1/4πε0 Q1/5×10^-2 का होल स्क्वायर, ये 0.05 मीटर। सो EA = 2×9×10^9 10^-8/25×10^-4, ठीक है। सो EA = 18×10×10^4/25। मैं इसको ऐसे लिख लूं, EA = 18 × इसको मैं लिख दिया 100×10^3/25, ये हो गया 4 से चला। सो EA = 72, 18×4=72×10^3 N/C, या फिर EA = 7.2×10^4 N/C, कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ये हमारे पास आ गया यहां, ठीक है। सो दिस इज टुवर्ड्स विच वन डायरेक्शन, दैट इज अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। इस साइड को आ जाएगी हमारे पास ई ए, ये इसी डायरेक्शन। अब बात करते हैं एट बी, यहां पर भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे एट पॉइंट बी,
ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा, ये वाला हमारे पास, इसको इस साइड को लगाएगा तो E1 तो आगे इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, तो E2 आ गया इस साइड। अब E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है और ये क्या है कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड E1 का ज्यादा होगा, E2 का क्या आएगा कम आएगा। तो हमारे पास एट बी ई बी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, E1 माइनस E2, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहां से देखें अगर हम लोग, देन ई बी दैट इज इक्वल टू 1/4 πε₀ q1/, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस है कितनी, 5×10⁻²² का स्क्वेयर माइनस 1/4 πε₀ q2/, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, कहाँ तक की, पॉइंट बी तक की, ये बन गई 1.5 इंटू, अगर देखें हम लोग तो ये 0.15 बन जाएगी हमारे पास मीटर के बराबर। तो मैं इसको लिख लूँ कितना, 15×10⁻², ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 15×10⁻²। ठीक है, सो ये तो हम लोगों ने निकाला है इसके बराबर, अगर देखें हम लोग, चलो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं इसको। सो ई बी दैट इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ q1×10⁻⁸ / 25×10⁻⁴ - 9×10⁻⁹ / दिस इज 225×10⁻⁻¹। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर ले, लेकिन कोई बात नहीं अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ई बी दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लूँ यहाँ से 9×10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 25 माइनस दिस वन इज 9×10⁻⁴ / 225, ठीक है। सो ई बी इज इक्वल टू, यहां पर देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास यहां से आ गया कितना, 9 × मैं इसको लिख दूं 100×10⁻³/25 माइनस यहां पर 9×100×10⁻³/225 यहां से देखते हैं। तो मेरे पास यहां पर देखें तो यहां पर आ रहा है 25 वंसा, ये हमारे पास, ठीक है, तो और यहां से 25 × 100 और 25 9 और 9 से 9 कैंसिल। दिस इज ई बी इज इक्वल टू दैट इज 36×10³ माइनस यहां से बच गया 4×10³। सो ई बी दैट इज इक्वल टू 32×10³ न्यूटन पर कूलम, या मैं लिख दूं ई बी दैट इज इक्वल टू 3.2×10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन किस साइड को आ गई है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट यहां, ठीक है।
ये दूसरा। अब बात आती है यहां पर पॉइंट सी की, इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग सी पॉइंट के ऊपर। तो सी के लिए मैं ये सारा हटा रहा हूँ, अब यहाँ की बात करेंगे हम लोग, सी के ऊपर निकालेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने करना है। यहाँ से ए के ऊपर निकाल लिया, बी के ऊपर निकाल ली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करेंगे किसके ऊपर, एट पॉइंट सी। सी के ऊपर हम लोग रखेंगे यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है ये करेगा इसको रिपेल, ऐसे ये आगे ई वन इस साइड को। नेगेटिव चार्ज करेगा इसको अट्रैक्ट, तो ये हो गया ई टू। मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का बराबर है, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा बराबर। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा कहां से, वेक्टर लॉ ऑफ, यहां से लॉ ऑफ वेक्टर इस साइड पर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सी। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये हमारे पास पूरे एंगल जो है ये बच जाएगा कितना, 120 डिग्री। हमारे पास यहां पर देखें एट सी ई वन दैट इज इक्वल टू ई टू हमारे पास है। तो हम लोग यहां पर निकाल लें ई वन, निकाल लें पहले कितना आ रहा है, ई वन दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन अपॉन दिस इज 1×10⁻¹ का स्क्वेयर। सो ई वन इज इक्वल टू 9×10⁻¹, 10⁻¹⁸ अपॉन 10⁻¹2, ठीक है। सो ई वन दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 9×10⁻²। सो ई वन दैट इज इक्वल टू 9×10³ न्यूटन पर। ई टू भी इतना आएगा, सो ई वन इज इक्वल टू ई टू दैट इज इक्वल टू 9×10³ न्यूटन पर। एंगल दोनों के बीच का कितना है, 120 डिग्री। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सी दैट इज इक्वल टू ई वन स्क्वेयर प्लस ई टू स्क्वेयर प्लस 2E1E2 कॉस ऑफ 120 डिग्री अंडर द रूट। सो ई सी दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ई वन इज इक्वल टू ई टू, सो ई वन स्क्वेयर प्लस ई वन स्क्वेयर प्लस 2, मैं लिख दूं यहां पर ई वन स्क्वेयर और 120 डिग्री आपके पास कॉस कितना आता है, -1/2। ये 1 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो यहां पर माइनस ई स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ई सी दैट इज इक्वल टू ई वन स्क्वेयर अंडर रूट, सो ई सी दैट इज इक्वल टू ई वन। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9×10³ न्यूटन पर कूलम के साइड को टुवार्ड्स अ राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहां पर निकालते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल है दैट इज 1.10 की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया, अगर हम लोग बात करें 1.10 की, देखते हैं ये क्या बोलता है हमारे पास। इसमें बोला गया द टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के दिए गए हैं, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, 5 मिलीमीटर की दूरी के ऊपर इनको रखा गया, मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, 5 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 cm फ्रॉम द सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर एंड पॉइंट क्यू 15 cm away from O on the line passing through O and normal
टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एज शोन इन द फिगर। इसका मतलब हम लोगों ने एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो कुल मिलाकर के चार्ज जो है आपके पास, दिस इज एग्जांपल नंबर 1.10, चार्ज जो दे रखा है दैट इज प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम, मींस प्लस माइनस 10 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 कूलम, मींस दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 5 कूलम के बराबर दे रखा है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी अगर देखें तो 2a दैट इज 5 mm, मतलब 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर है, और जो डिस्टेंस है पॉइंट की दैट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर के बराबर दे रखी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक पॉइंट पी के ऊपर और एक पॉइंट क्यू के ऊपर। देखते हैं कहां पर निकालनी है। पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं इसका, एस पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू कितना है आपके पास 10 रेस्ट पावर माइनस 5, 2a है 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, तो आपके पास से आ गया कितना दैट इज 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम मीटर। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। पहला केस हमारे पास अब ये दे रखा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर से है ये डिस्टेंस, यहां से ये आर। तो हमें पता है एक्सिस के ऊपर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ई भी इसी डायरेक्शन में आएगा आपके पास एक्सियल लाइन के ऊपर। अब क्योंकि हमारे पास क्या है 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू इसके बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, या फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। सो e1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू P की वैल्यू मैं रख दूं अगर, तो P है आपके पास 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 अपॉन R क्यूब है 15 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। 5 टू जार 10 होते हैं हमारे पास यहाँ से अगर देखें हम लोग। सो E1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 इंटू यहां से बच गया 10 अपॉन, दिस इज 15 इंटू 15 इंटू 15, दिस इज 10 रेस्ट पावर माइनस 6, दिस इज 15 6 9, ठीक है। यहां से देखें अगर हम लोग आगे और कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, सो E1 इज इक्वल टू 6 इंटू दिस इज 10 इंटू यहां पर मैंने लिख दिया ये 10 रेस्ट पावर 6 अपॉन 15 इंटू 15, ये बच गए 3 से चला जाएगा, 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15, 5 टू जा 10, तो मेरे पास यहां पर बच गया E1 इज इक्वल टू दैट इज 4 अपॉन 15 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। मैं इसको ऐसे लिख दूं E1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 इंटू 10 इंटू 10 रेस्ट पावर 5, ठीक है। 5 से फिर चला जाएगा आपके पास यहां पर 5 टू 10 5 3 10, सो
E1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो E1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 6 और दिस वन इज 6 × 18 न्यूटन पर कूलम। दिस इज कौन सी डायरेक्शन में आएगा, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब पी की डायरेक्शन में। बुक में अगर देखें हम लोग तो बुक में दिए रखा है ये अलोंग ए टू बी, यहाँ पर आएगा आपके पास अलोंग ए टू बी, अलोंग ए बी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट ए दे रखा है और ये क्या दे रखा है बी, या इन द डायरेक्शन ऑफ पी, या हम लोग ऐसे लिखते हैं E1 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर। अब दूसरा क्या बोला गया है हमारे पास, सेकंड वन जो सिचुएशन है वो ये दे रखी है कि ये हमारे पास ऐसे है, पॉइंट Q हमारे पास यहां पर है, ये O है माइनस Q, दिस इज प्लस Q, दिस इज पॉइंट Q, ये भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मतलब उतना ही है। तो ये आ गया इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर पी हमें पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इससे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर दैट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। सीधा निकाल लेंगे हम लोग बी पार्ट में, इसमें सीधा करेंगे दैट ई टू दैट इज हाफ ऑफ ई वन, so E2 that is equal to half of this is 2.66 into 10 raised power 5, तो आपके पास आ गया E2 is equal to 1.33 into 10 raised power 5 newton per coulomb, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, या फिर हम लोग अलोंग BA, कौन से डायरेक्शन, अलोंग BA, ये हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास किससे रिलेटेड, डायपोल से। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन जितना हम लोग ने टॉपिक किया है वहां पर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज से देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। वो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ हम लोग करेंगे अभी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.1 कर लिया था, 1.2 कर लिया था, 1.3 की बात करते हैं हम लोग। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का, चेक द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई। वैल्यू हम लोगों ने वैसे फाइंड आउट कर रखी है इसके, पहले की हुई है, एग्जांपल किया था हम लोगों ने, हमने ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है हमारे पास, दिस इज डायमेंशन लेस। तो हमें पता है हम लोग यूनिट से चलेंगे, इसके यूनिट है हमारे पास के आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये चार्ज है तो चार्ज के कूलम बातें इसका स्क्वायर हो गया, नीचे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम, इसके भी किलोग्राम।
न्यूटन मीटर स्क्वेयर से न्यूटन मीटर स्क्वेयर कैंसिल आउट, इस कूलम स्क्वेयर से कूलम स्क्वेयर कैंसिल आउट, किलोग्राम इससे यहाँ से और किलोग्राम स्क्वेयर से किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया वन विच इज यूनिट वर्क। तो इसके डायमेंशंस हो गया आपके पास क्या, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। अब ध्यान से देखें कि एग्जांपल हम लोगों ने एनसीईआरटी का किया था, सो दिस रेशियो सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन बोथ द केसेस, ठीक है। उस केस में हमारे पास ये रेशो आई थी और हम लोगों ने इसको निकाला था, आप लोग उस एग्जाम्पल को चेक कर सकते हो, ठीक है। यही हमारे पास ये आया था, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या पूछा गया है, दैट 1.4 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1.4। सो इसमें पूछा गया है दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉन्टैक्ट। तो सभी को पता है दैट इट मीन्स दैट द फ्री चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट चार्ज ई, मीन्स दैट ए पार्ट की बात करें दैट क्यू दैट इज इक्वल टू एन ई, वेयर ई इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम। बस ये हो गया आपके पास, ठीक है, चार्जेस क्वांटम। बी पार्ट पूछा गया है यहाँ पर, अगर बी पार्ट की बात करें हम लोग, तो इसमें पूछा गया दैट वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। व्हेन वन डील्स विद द लार्ज स्केल चार्ज देन द वैल्यू ऑफ एन दैट इज वेरी लार्ज, जो एन की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या जाएगी, दैट इज अ वेरी लार्ज विच डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। सो इट मीन्स दैट हमारे पास उस केस में दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज दैट इज इग्नोर। हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेकर के चलते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चार्ज ले लिया क्यू, ले लिया 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10 रेस्ट पावर माइनस 6 कूलम हम लोगों ने चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास हम लोगों ने एन की वैल्यू निकालनी, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई के बराबर 10 रेस्ट पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 अपॉन 16 इंटू 10 रेस्ट पावर 13, मीन्स दैट इज 100 अपॉन 16 इंटू 10 रेस्ट पावर 12। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेस्ट पावर 12। यहां पर अगर ये वैल्यू देखेंगे, ये फैक्टर विच इज वेरी लार्ज, मतलब इतने से कम चार्ज नहीं, 1 माइक्रो कूलम चार्ज में द वैल्यू ऑफ एन दैट इज वेरी लार्ज एंड इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एन हम लोग यहाँ पर काउंट कर ही नहीं सकते हैं। देयरफोर व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस वी कंसीडर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं कि दैट देयर इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एंड हेंस वी टेक द कंसेप्ट ऑफ द चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, उसका कंसेप्ट लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास बोला गया है 1.5 की बात करें, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, अ सिमिलर फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। Whenever any two bodies are rubbed against with each other, what happens that the charges are dropped on both the bodies, but the magnitude of both
द चार्ज इज वर्क्ड ऑन बोथ द बॉडीज दैट आर इक्वल एंड द पोलैरिटी दैट इज अपोजिट. इट मीन्स दैट द चार्जेस आर वर्क्ड इन अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अ अपोजिट पोलैरिटी. मतलब पोलैरिटी क्या आएगी आपके पास, अपोजिट आएगी, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल आएगा. सो दैट द नेट चार्ज ऑन द बोथ बॉडी दैट इज इक्वल टू जीरो. मतलब टोटल चार्ज और द सम ऑफ द चार्जेज ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स दैट द चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. ये क्या हो गया आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों के पास हो गया. 1.6 आप लोगों ने कर लिया था. 1.7 की बात करते हैं हम लोग. ए पार्ट पूछा गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक व्हाई. ये क्वेश्चन देखो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो है वो एकदम से ब्रेक नहीं आ सकता. जैसे मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से चली हुई है, इस तरीके से, देन इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, इस तरीके से नहीं हो सकता. इसका रीजन देखते हैं हम लोग. दिस इज बिकॉज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डस्ट. अब पहली बात सुने हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पर ड्रॉ होती है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ड्रॉ होते हैं. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी. अगर वैल्यू है इट मीन्स दैट देयर इज अ सम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव सडन ब्रेक, अगर मान लो किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट हैव सडन ब्रेक, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान से सुने, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक. दूसरी एक और बात बोली थी हम लोगों ने कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इट इज द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. तो हम लोग उससे भी इसका आंसर दे सकते हैं कि दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज द चार्ज दैट कैन नॉट जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ से उछल करके यहाँ पर चला गया, ठीक है, ऐसे ये नहीं जा सकते. लेकिन ये रीजन आप लोगों ने नहीं देना. दूसरा हमारे पास क्या पूछा गया, बी पार्ट की बात करें, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं. तो ये हम लोग ने कर लिया था. अगर मान लो दो फील्ड लाइन्स हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करते हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स which represents the two directions of the electric field intensity at a one point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते. 1.8 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात करें अगर हम लोग, यहां पर देखते हैं हम लोग 1.8. दिस इज 1.8. इसमें क्या बोला गया कि दैट टू चार्जेस हमारे पास हैं, टू पॉइंट चार्जेस, क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम. दीज आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, इन वैक्यूम. पहला पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने लिख लिया क्यू ए कितना है, क्यू बी कितना है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो यहां पर रखेंगे हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये डाइपोल का रेस आगे ये रख दिया. तो ए जो है हमारे पास इस साइड को रिपेल करेगा, ये
ए इस साइड को दिख लोगे पहले चार्ज की वजह से, तो ई वन इस साइड को ए लिख दो चाहे आप लोग, और या ई वन लिख लिया मैंने इसको, और दूसरा ई टू आपके पास इस साइड। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ ओ बी, दोनों का सम आएगा, एक इस चार्ज की वजह से एक इस चार्ज। यहां से डिस्टेंस देखें इस पॉइंट की जहां की पूछी गई है, देन ए ओ दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ए ओ दैट इज इक्वल टू बी ओ दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज इक्वल टू 10 × 10⁻²⁻² मीटर, दैट इज 10⁻²⁻¹ मीटर। तो हमारे पास यहां पर अगर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पर फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, मिड पॉइंट ओ के ऊपर, ई दैट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। अब क्योंकि दोनों बराबर ही है, मैग्नेट्यूड चार्ज का बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो एज ई वन इज इक्वल टू ई टू, तो मैं इसको लिख दूं ई इज इक्वल टू दैट इज ई वन प्लस ई टू, सो ई दैट इज इक्वल टू टू ई वन, सो ई दैट इज इक्वल टू टू इन टू, दिस इज 1/4 πε₀ क्यू ए अपॉन ए ओ का होल स्क्वायर। सो ई दैट इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁻¹ 1/4 πε₀ की वैल्यू, क्यू ए हमारे पास अगर बात करें देन इट इज 3 × 10⁻¹ −6 कुल अपॉन 10⁻¹ −1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 54 हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू 54 × 10³ डिवाइडेड बाई 10⁻²। सो ई दैट इज इक्वल टू 54 × 10⁵ न्यूटन पर, और हम लोग बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर। कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग बी। अब दूसरा क्या बोला गया कि अगर मान लो हमारे पास यहां पर बी पार्ट ध्यान दें, आपको क्या पूछा गया कि दैट इफ आर नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻¹ −9 कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर रखा जाए, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी गई है हमारे पास कितना, बी पार्ट की बात करें हम लोग, 1.5 × 10⁻¹ −9 नेगेटिव है हमारे पास, लेकिन जब फोर्स निकालना है तो हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, तो हमें पता है फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई के बराबर, सो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट 1.5 × 10⁻¹ −9, और ई आपके पास कितना है, दैट इज 5.4 × 10⁻¹ हमारे पास आ गया। सो एफ इज इक्वल टू 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 71 × 10⁻³ न्यूटन, मीन्स एफ इज इक्वल टू 8.1 × 10⁻³। अब नेगेटिव चार्ज जब यहां पर रखेंगे हम लोग, ये नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये लगेगा आपके पास अलोंग ओ ए, कौन से डायरेक्शन में, ओ ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फोर्स हमारे पास यहां पर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.9 की, 1.9 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक क्यू ए है हमारे पास 2.5 × 10⁻¹ −7 कूलम,
और दूसरा क्यू बी माइनस 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 इक्वल एट अपोजिट दीज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट. ये रखा गया हमारे पास ए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और रखा गया बी के ऊपर 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. मतलब ये जेड एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट और ये है नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर. तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे है सिचुएशन. मैं यहां पर मान लू ये एक्स, ये वाई और ये मान ली मैंने जेड. तो यहां पर मैं ऐसे मान लेता हूं इसको. ये बराबर ठीक है. ये आ गया पॉइंट ए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और ये पॉइंट आ गया कौन सा बी, दिस इज 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. यहां पर है क्यू ए, मतलब प्लस आपके पास आ गया ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ गया माइनस क्यू बी. मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ठीक है. हमसे क्या पूछा गया यहां पर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. सो टोटल चार्ज निकालें पहले. टोटल चार्ज क्यू दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम माइनस 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम. सो दिस क्यू दैट कम्स आउट टू बी जीरो. डायपोल मोमेंट निकालें तो हम लोग निकालेंगे पहले यहां से डिस्टेंस ए बी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर मीन्स 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 1 मीटर. ये हमारे पास सो डायपोल मोमेंट पी दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. सो P दैट इज इक्वल टू Q कितना है हमारे पास, आइदर चार्ज 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 और 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 1. सो दिस इज P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 कूलम मीटर. अब डायरेक्शन क्या आती है डायपोल मोमेंट की, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी कहां से, नेगेटिव चार्ज कहां पर है बी के ऊपर रखा है हम लोगों ने, दैट इज फ्रॉम अ बी टू ए. सो पी इज अलोंग कौन सा बी ए, बी से ए डायरेक्शन में आपके पास एक्ट करता है ठीक है. एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं 1.10. ये था हमारे पास 1.9 था, ये इस वाज क्वेश्चन नंबर 1.9. हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क से रिलेटेड है हमारे पास. एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद द डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 कूलम मीटर. डायपोल मोमेंट दिया गया है 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 कूलम मीटर. दिस वन इज अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. थीटा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपके पास दे रखी है 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 न्यूटन पर. इसमें पूछा गया है दैट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल. मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा. पी है 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9
ई है 5 × 10⁴ और साइन ऑफ 30 डिग्री, सो दैट इज 20 × 10⁻¹⁵ 1/2। ये हो गया 10 × 10⁻¹⁵, दैट इज 10⁻⁴ न्यूटन। दिस वन इज द, सो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने आगे भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।